मनुष्य के जीवन में सत्य के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। यदि मनुष्य सत्य को न समझे कि क्या है, तो वो कुछ को कुछ समझकर कुछ को कुछ समझकर अंधकार में भटकता है। बुरे को अच्छा समझकर उससे राग हो जाएगा, अच्छे को बुरा समझकर उससे द्वेष हो जाएगा, अच्छे से द्वेष हुआ तो भी अंधकार गलत, बुरे से राग हुआ तो भी अंधकार। सत्य को असत्य समझ लिया, असत्य को सत्य समझ लिया, जिसको अपने जीवन में सत्य से प्रेम नहीं है, ज्ञान से प्रेम नहीं है, सच्चे आनंद से प्रेम नहीं है, तो वो तो स्वयं आत्महत्या कर रहा है। तो खुदकुशी बोलते हैं, खुदकुशी, क्योंकि सत्य तो अपना आत्मा ही है। जो सत्य से परहेज करता है वो अपने आप से परहेज करता है, जो ज्ञान से परहेज करता है वो अपने आप से परहेज करता है, जो आनंद से परहेज करता है वो अपने आप से परहेज करता है। सांस्ते प्रत्यागि गच्छन्ति जेके चात्म हनो जना असुज्ञा नाम से लोका अंधे न समता वृता। केवल इंद्रिय भोग ही सब कुछ नहीं है, कुछ इकट्ठा किया कुछ भोगा कुछ किया कुछ बोले और मर गए, बस इतने ही जीवन नहीं है भाई। अब जो हम लोग इकट्ठा करते हैं वो भी सही उचित हमारे हक का ईमानदारी का नहीं होता। देखो दुनिया की हालत, जब आता है तो बड़ी खुशी होती है,
नहीं सोचते हैं कि ईमानदारी से आया कि बेईमानी से आया। और जब खर्च करना पड़ता है तब सोचते हैं कि ये वशिष्ठ विश्वामित्र शरण कुमार ही के हाथ में जाए, तुमको चोरी से बेईमानी से माल इकट्ठा करके ले आए। और जाते समय क्या चिल्लाते हो, ये ले आए ये ले आए। भोग भोगते समय तो ख्याल होता नहीं कि हम ठीक भोग रहे हैं कि नहीं। अनुचित भोग भोग लेते हैं, जो अपने हिस्से का नहीं है वो भोग लेते हैं, और फिर बीमार पड़ते हैं, फिर वो भोग नहीं मिलता है, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर वो भोग छिन जाता है, तो चिल्लाते हैं कि ईश्वर बड़ा अन्यायी है, जो तुम्हारा नहीं था उसको तो मेरा मान लिया, और फिर वो जाता है तो चिल्लाते शायद। कर्म जो नहीं करना चाहिए तो करते हैं, और जब उसका नतीजा आता है सामने, फल आता है, तो आपका फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। देखो दुख सुख को आप पहचानो, आपका हृदय जब निर्मल है तब आप सुखी हैं, और आपका हृदय वासना से आविष्ट है तब आप दुखी हैं। तो काम करते हैं गलत बुरे और चाहते हैं कि हमको सुख हो, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः। लोग पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य करना पसंद नहीं करते। न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन कोशिश करके पाप करते हैं। तो पाप करेंगे तो दुख होगा, पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, यही इसकी मर्यादा है। तो इकट्ठा करने में सावधान, भोगने में सावधान, काम करने में सावधान, और बोलने में सावधान। कभी कभी अपनी जबान ही अपने को बहुत दुख देती है। तो बोलना हो तो सोच विचार के बोलना चाहिए, बोलना जरूरी हो तब बोलो, और बिना बोले काम चल जाता हो तो बोलने की कोई जरूरत नहीं। सच भी मत बोलो, अगर बोलने की जरूरत नहीं है तो सच बोलने की क्या जरूरत है, वो तो लोगों को समय पर मालूम पड़ जाएगा। बोलने से ना बोलना अच्छा है, अगर बोलना पड़े तो सिर्फ सच नहीं उसके साथ प्रिय भी होना चाहिए। सच बोलो, प्रिय बोलो, उचित बोलो। अगर सच बोलना भी अनुचित हो, कभी कभी सच बोलना भी अनुचित होता है, किसी का रिश्तेदार कहीं मर गया है, उसको खबर नहीं है, अभी मौज में है, तुमको मालूम पड़ गया तो दौड़ के उसके घर गए, रे तुम्हारे ये मर गए, क्या जरूरत है तुमको, उसके घर के लोग वहां के लोग खबर देंगे तो खबर पहुंचेगी, दो घंटे देर से खबर पहुंचेगी तो दो घंटे देर से दुखी होगा। तुम दो घंटे पहले ही उसको दुखी करने के लिए क्यों दौड़ते हो। तो बोलना भी हो तो सत्य हो, उचित हो, सुनने में प्रिय हो, परिणाम में हितकारी हो, किसी के मन में उद्वेग पैदा न करता हो, मौके की बात हो, तो बोलो। तो यथार्थ के ज्ञान के बिना तो कोई बात बन ही नहीं सकती।
सच का ज्ञान चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए। अब एक बात आपको सुनाते हैं, आप देखो वेदांत की बात जोड़ते हैं। सच एक ही है, उसका नाम है सत्य। घड़ा बना, सकोरा बना, पहले माटी थी, फोड़ दोगे तो माटी है। तो देखो एक औरत बनी, एक मर्द बना। अच्छा, दोनों माँ के पेट में से निकले, दोनों पिता के बीज में से आए। पिता के बीज में आने के पहले दोनों चने में थे कि गेहूं में थे कि मटर में थे? और चना गेहूं मटर बनने के पहले दोनों माटी में थे या पानी में थे? ये चंद्रलोक में थे। बीज बनने से पहले दोनों सदमास्त्र थे, अगर जलने के बाद औरत और मर्द की राख में कोई फर्क नहीं होता है। आपको मालूम है ना, जो स्मशान में जला देंगे तो औरत और मर्द की राख में कोई फर्क नहीं होगा, और कुत्ते और गाय की राख में भी कोई फर्क नहीं होगा, और चोर और साहूकार की राख में भी कोई फर्क नहीं होगा। तो जहां से ये निकले हैं, इनका नाम रूप जहां से निकला है, वहां भी इनमें कोई फर्क नहीं था, और जब इनका नाम रूप मिट जाएगा वहां भी इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो बीच में जो फर्क मालूम पड़ता है वो इन इंद्रियों के भेद के कारण भेद मालूम पड़ता है, वस्तु में भेद नहीं है। देखो एक मोती होता है, मोती उसका जेवर बनाते हैं, पहनते हैं। एक बर्फ होता है, उससे कोई चीज ठंडी करते हैं। पानी होता है, उसको पीते हैं। पर बर्फ भी पानी है, मोती भी पानी है, लाल भी पानी है, सफेद भी पानी है, पीला भी पानी है। तो जिसको पीना है वही फर्क करता है, वो जिसको जेवर पहनना है वो मोती पहनेगा और कौड़ी फेंक देगा, लेकिन जब तत्व की दृष्टि से विचार करेंगे तो जो मोती है वही कौड़ी है। सीख सीख हुई है, जो मोती है सो सीख है, वही बर्फ है वही पानी है। तो ये फर्क किन लोगों ने किया? गहना देवर पहनने वालों ने मोती छांट लिया कि ये ठीक है, बहुत अच्छा है, और ठंडा जिनको चाहिए उन्होंने बर्फ को छांट लिया, जिनको प्यास लगी है उन्होंने पानी को छांट लिया, और जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको प्यास भी नहीं है, जेवर भी नहीं पहनना है, शरबत भी नहीं पीना है, उनके लिए इनमें क्या फर्क है? मोती भी पानी है और कौड़ी भी पानी है। जिनको मोती बेच के पैसा कमाना है उनके लिए मोती अलग है, जिनको कौड़ी बेच के पैसा नहीं कमाना है उनके लिए कौड़ी में कोई फर्क नहीं है। बर्फ में और मोती में फर्क क्यों हुआ? अपने स्वार्थ की दृष्टि से फर्क हुआ, असल में तत्व की दृष्टि से दोनों पाने। राका बांका एक भगत हुए हैं, राका बांका आप लोगों ने जरूर सुना होगा उनका नाम, राका बांका। दोनों भगवान के बड़े भक्त थे, तो आगे आगे पति चल रहे थे, पीछे पीछे पत्नी चल रही थी। उन्होंने देखा बहुत सारा सोना पड़ा है, पति ने देखा बहुत सारा सोना पड़ा है, तो उन्होंने उस पर माटी डाल दी। पत्नी ने देख लिया, उसने पूछा कि भला इस पर तुमने माटी क्यों डाली, माटी पर माटी क्यों डाली? उन्होंने कहा हमने देखा ये सोना है,
तो तुम्हारे मन में कहीं उठाने की इच्छा ना हो जाए, इसलिए मैंने माटी से इसको ढक दिया। तो पत्नी बोली, जो सोना है सो माटी है, जो माटी है सो सोना है। जब जेवर पहनना नहीं है, बेचना नहीं है, तो माटी में और सोने में क्या फर्क है? इसी से कहते हैं कि ये जो वेदांत की शिक्षा है, दीक्षा है, जो स्वार्थ से किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करता है, सत्य समझने की कोशिश करता है, उसकी समझ में वेदांत आता है। वही सोना बड़ा कीमती है, क्योंकि कोई कीमत नहीं है, चाहे जहां से उठा लो। तो महात्मा लोग इसको ऐसे समझाते हैं, एक बार लंका में, सोने की लंका में, जहां माटी नहीं थी, सोना ही सोना था, वहां किसी को दर्द हुआ। तो वैद्य ने बताया कि माटी की पट्टी इस पे लगानी पड़ेगी। तो ये हुआ कि यहाँ तो माटी कहाँ मिलेगी सोने की लंका में? तो बोले, जहाज हवाई जहाज पर चढ़ो, हिंदुस्तान में जाओ, और वहां से थोड़ी माटी लेके आओ। अरे भाई, यही पता लगा लो, कहीं मिल जाए तो ढेर का सोना उसको, टन दो टन चार टन सोना उसको दे दो, है ना, और एक मुट्ठी माटी ले आओ। तो लंका में माटी की कीमत ज्यादा और सोने की कम। कीमत जितनी है, मूल्यांकन जितना है, ये मांग के अनुसार है। बोला, जिसकी मांग ज्यादा होती है चीज कम होती है, कीमत बढ़ जाती है, और मांग कम हो चीज ज्यादा हो तो कीमत घट जाती है। तो ये दुनिया की कीमत सबसे ज्यादा किसके लिए है? जिसको दुनिया की मांग है, जिसको दुनिया की जरूरत है, और मन में संतोष है, तो क्या सोना क्या माटी, ऐसे नहीं। ये वेदांत वो बात आपको सुना रहा है कि जब दुनिया में कोई नाम नहीं पैदा हुआ था और कोई रूप नहीं निकला था, इसको व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण, व्याकृति, विशिष्ट आकृति, नाम रूप व्याकरण है, खास तरह की शकल और खास तरह का नाम, विशेष प्रकार का नाम, विशेष प्रकार का रूप, जब प्रकट नहीं हुआ था तो एक सत्ता सामान्य, एक क्षण मात्र था, और जब नाम और रूप का लोप हो जाएगा तब सत्ता सामान्य एक क्षण मात्र रहेगा। तो ये मतलबी यार जो है, उनके लिए एक चीज की कीमत ज्यादा होती है, एक चीज की कीमत कम होती है। तो इसलिए वेदांत समझने के पहले थोड़ी निस्वार्थता, थोड़ा वैराग्य, थोड़ी निवृत्ति, इनकी ही जरूरत पड़ती है। अच्छा, जिन लोगों ने बहुत इकट्ठा किया, उनके साथ क्या आगे? हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, पृथु हुए, सगर हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, क्या लेके गए? और सच को समझे कि सच क्या है, सत्य क्या है। आप देखेंगे कि ऐसा सत्य है कि वो अमृत में और विष में दोनों में एक है। जिसको जीने की इच्छा है उसके लिए अमृत अच्छा है, जिसको मरने की इच्छा है उसके लिए विष अच्छा है।
जिसको मरने की इच्छा है उसके लिए अमृत अच्छा नहीं है, विष अच्छा है, और जिसको जीने की अच्छी इच्छा है उसके लिए अमृत अच्छा है, विष अच्छा नहीं है। जीने वाले को विष से दुश्मनी है और मरने वाले को अमृत से दुश्मनी है। और जिसको न मरने की इच्छा है न जीने की इच्छा है उसके लिए अमृत से राग और विष से द्वेष, या विष से राग अमृत से द्वेष नहीं है। उसके अंतकरण में राग द्वेष नहीं है, और राग द्वेष का दृढ़ न होना इसी का नाम वैराग्य होता है। वह उस सत्य को ढूंढे जो राग द्वेष हमारे मन में न रहने पर, अच्छाई और बुराई का भेद न रहने पर, और जो सचमुच सच्चा है आ उसको तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्प्रयन्ते विसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे ये दुनिया पैदा हुई, मैंने पैदा होने के पहले, दुनिया पैदा होने के पहले जो था, दुनिया पैदा होने पर भी जो दुनिया में भरपूर है, दुनिया जिसकी ओर चल रही है, दुनिया जिसमें जाकर समा जाएगी, वो जगत का जो मूल है सत, सदायतना सत प्रतिष्ठा, उस सत का अनुसंधान करें। उस सत्य को जाने बिना हम अज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान के सत्य के ज्ञान के बिना हम अज्ञान में हैं, और अज्ञान में हैं तो असत्य को सत्य समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं, और सौ सौ धक्के खाएं तमाशा घुस के देखें, रोज दुनिया में सौ तरह का दुख आता है और दुख भोगते जाते हैं और दुनिया में भटकते रहते हैं। सौ सौ धक्के खाएं और तमाशा घुस के देखें।